नमस्कार भैया, हिंदी व्याकरण से संबंधित आज हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द उसके बारे में बताएंगे। हमारी हिंदी भाषा वैसे भी बहुत सुंदर है, लेकिन उसे और भी अच्छा और सुंदर बनाने के उससे दृष्टिकोण से क्या होता है कि अनेक शब्दों के बजाय एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे अर्थ दोनों का है वही निकलता है, मतलब दोनों का होता है। लेकिन जहाँ कई शब्दों का प्रयोग किया जाए उसके स्थान पर एक शब्द से ही काम चलाया जा सकता है, वो एक शब्द अच्छा भी लगता है। इसलिए अब उसी के बारे में मैं बताऊंगी कि जिस तरीके से लंबे लंबे जो शब्द होते हैं कि जो पढ़ा लिखा ना हो हम उसको एक शब्द में कहते हैं अनपढ़, जिसे ज्ञान ना हो हम कहते हैं उसे अज्ञान एक शब्द। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिनको कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। जिसके पास धन ना हो निर्धन, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जिसके नेत्र ना हो नेत्रहीन, जो पैर से चल ना सकता हो अचल, जो चलायमान ना हो उसको अचल कहा जाता है, जिसके एक आंख हो उसको एक शब्द में जैसे काना बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं। अब इसी के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, भाषा को सुंदर व सजीव बनाने के लिए हम अनेक शब्दों या वाक्यांश के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका अंत ना हो अनंत, जो जीता ना जा सके अजय, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या होगा आस्तिक, जिसके आर पार दिखाई दे उसको कहते हैं पारदर्शक, और जिसके आर पार न दिखाई दे उसको अपारदर्शक कहते हैं। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ और आसानी से प्राप्त होने वाला सुलभ हो जाता है। दो भाषाओं को जानने वाला द्विभाषिया, जो वस्तु अपने देश में बनी हो स्वदेशी, और जो वस्तु विदेशों में बनी हो उसको विदेशी कहा जाता है। जो सब गुणों से संपन्न हो सर्वगुण संपन्न, और जो गुण से हीन हो उसको निर्गुण कहा जाता है, गुणहीन कहा जाता है। जो भली प्रकार शिक्षित हो वो सुशिक्षित कहलाता है, और जो शिक्षित न हो वो अशिक्षित भी कहलाता है। इस तरीके से बहुत सारे हैं जो हम आपको अभी हमने आपको बताया कि कितने सारे शब्द हैं जिनको कि एक शब्दों के लिए अनेक शब्द की जगह पर प्रयोग किया जाता है। जिसमें बल ना हो निर्बल, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, जो कभी ना मरे अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जो जीता ना जा सके अजय, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, संसद का सदस्य हो सांसद, जो सभी लोगों का प्रिय हो लोकप्रिय, साहस से युक्त साहसी, बल से युक्त बलवान। इस तरीके से बहुत सारे शब्द जो हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। भैया बहनों, तो आज हमने आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में बताया। धन्यवाद।